आज हम बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन के थर्ड मेथड के बारे में जो कि है क्वाड्रेटिक फार्मूला। दो मेथड के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं जो कि है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एंड स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। अब इस मेथड के लिए पहले हम इसका फार्मूला डिराइव करेंगे, कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो मैं पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन देता हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि क्या होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स 0। अब मैं इसके अंदर क्या करूं, मैं सबसे पहले इस टर्म का कोफिशिएंट क्या बना दूं, 1 बना दूं। और इसके लिए मैं क्या करने वाला हूं, क्वाड्रेटिक स्क्वायर मेथड का इस्तेमाल करने वाला हूं। तो मैंने क्या करा, ऑन डिवाइडिंग अबव इक्वेशन बाय ए, तो पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर देना है, ए से, क्योंकि यही हम करते हैं पहले से बी तक अपने स्क्वायर मेथड का। तो यानी कि ax स्क्वायर अपॉन a प्लस bx अपॉन a प्लस c अपॉन a इक्वल 0 अपॉन a। अब a से a तो कैंसिल हो गया, तो क्या हुआ, x स्क्वायर प्लस b अपॉन ax प्लस c अपॉन a इक्वल 0। तो ये हमारी इक्वेशन क्या हो गई, जिसका कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या बन गया है, 1 बन। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को आगे कंटिन्यू करेंगे तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों टर्म्स को p प्लस q का होल स्क्वायर बनाएंगे। और p प्लस q का होल स्क्वायर बनाना है तो हमें पता होना चाहिए p और q क्या है, तो उसको फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर अगर p को फाइंड करना है तो क्या होगा, p स्क्वायर हमारा किसके इक्वल होगा, x स्क्वायर के इक्वल। तो p किसके इक्वल हो गया, रूट x स्क्वायर के, और इसका मतलब क्या आ गया, p इक्वल्स x। अब हमें q फाइंड करना है तो 2pq हमारे किसके इक्वल होगा, b अपॉन a x के इक्वल। तो ये हमारी वो टर्म है जो कि किसके इक्वल होगी, 2pq के। तो इसका मतलब p हमारा आया x, तो p की जगह रख दिया x into q equals b upon a x। अब इसको नीचे ले जाएंगे तो q equals क्या हो गया, b upon 2ax इंटू एक्स। तो x से x गया तो बचा क्या q हमारा, b अपॉन 2a। तो यानी कि q भी आ गया हमारे पास। अब हम इसको क्या करें, कंप्लीट द स्क्वायर लगाएं इसी इक्वेशन में, तो क्या लिखेंगे भाई, x स्क्वायर में भी क्या बन गया, x का होल स्क्वायर प्लस q आ जाएगा, q क्या लेंगे, b अपॉन 2a का होल स्क्वायर, और प्लस 2 इंटू क्या आएगा, x इंटू बी अपॉन 2a। अब इसको हम कर लेंगे वेरीफाई, तो 2 से 2 कट गया, क्या बचा, b अपॉन ax। तो देखिए b अपॉन ax इसका मतलब बिल्कुल सही है। अब इसके आगे आएंगे तो अगर हमने b अपॉन 2a को प्लस कराया तो इसको हम माइनस भी करेंगे, तो माइनस का b अपॉन 2a होल स्क्वायर, और साथ में क्या बचा है, प्लस c अपॉन a इक्वल्स 0। अब इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, यहां से देखिए यहां तक, दैट x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर, और आगे क्या है हमारे पास, माइनस का b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर बोल दिया हमने, प्लस c अपॉन a इक्वल्स 0। इसको हम उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर इक्वल्स b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस c अपॉन a। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर इक्वल्स 4a स्क्वायर एलसीएम आ गया, तो ऊपर क्या बचा, b स्क्वायर माइनस a से a क्या बचा, क्या 4a, तो 4a इंटू c क्या बन जाएगा, 4ac। अब हम क्या करें, अब हम जो है इसके स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट। तो x प्लस b अपॉन 2a इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। अब अगर b स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब क्या होगा, रूट में कुछ ना कुछ वैल्यू, रियल वैल्यू बाहर आएगी,
और अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है तो इसका स्क्वायर रूट नहीं आएगा। तो यहां पर क्या कंडीशन रहेगी, दैट इफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज ग्रेटर देन जीरो तब हम इसको आगे बढ़ेंगे, या इक्वल्स टू जीरो भी है तो भी आगे बढ़ेंगे, लेकिन अगर लेस देन जीरो है तो उसके रियल रूट्स नहीं निकलेंगे, जैसे कि हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में देखा था। तो हम इसलिए आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि हम ये मान रहे हैं दैट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू या तो जीरो से बड़ी होगी या जीरो के इक्वल होगी। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं तो क्या बनेगा, दैट एक्स प्लस बी अपॉन टू ए इक्वल्स बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये ऊपर तो क्या रहेगा रूट, और फोर ए स्क्वायर का बाहर आया तो क्या बन जाएगा टू ए, और बाहर आकर कैसा साइन लेकर आएगा प्लस और माइनस का। तो यानी कि एक बार एक्स प्लस बी अपॉन टू ए इसके इक्वल होगा प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, और दूसरी बार एक्स प्लस बी अपॉन टू ए इसके इक्वल होगा माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। अब इसको हम एक एक करके क्या करेंगे, इक्वल में करके देखेंगे और फिर हमारा क्या बनेगा, एक फॉर्मूला बनेगा। तो अभी करते हैं उसे, हाँ जी, तो आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं। हम क्या करें, एक्स प्लस बी अपॉन टू ए इक्वल्स एक बार प्लस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, और एक बार एक्स प्लस बी अपॉन टू ए इक्वल्स माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। अब इसको इधर लेकर आते हैं तो एक्स प्लस में होगा एक्स इक्वल्स रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए माइनस बी अपॉन टू ए, टू ए हमारा एलसीएम आ गया, तो रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी माइनस बी, और इसको क्या लिख सकते हैं आगे पीछे करते हैं तो माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। तो ये हमारा किसके इक्वल हो गया, एक्स के। तो पहला तो रूट हमारा क्या आएगा, ये आएगा। दूसरा एक्स इक्वल्स माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए माइनस बी अपॉन टू ए, तो एक्स इक्वल्स टू ए एलसीएम माइनस का बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी माइनस का बी, और इसको आगे पीछे करते तो क्या देते हैं, माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। तो ये हमारा दूसरा रूट आएगा। तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि कभी भी हम अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएं तो हमारे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने के बाद जो रूट्स आएंगे वो कैसे होंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, और कंडीशन केवल एक रहेगी क्या, कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू या तो ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए या इक्वल्स टू जीरो, अगर लेस देन जीरो है तो उसके कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे। तो यही हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, यानी कि इस फॉर्मूले को अगर हमें लगाना है तो हमें जो भी इक्वेशन दे रखी होगी क्वाड्रेटिक उसकी हमें क्या पता करनी है, ए बी और सी की वैल्यू, और सीधा इस फॉर्मूले में रखकर हम क्या कर पाएंगे, उसके रूट्स निकाल पाएंगे। और कंडीशन हमारी क्या रहनी चाहिए कि इफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम एक एग्जांपल करने वाले हैं जो कि वर्ड प्रॉब्लम है, एग्जांपल नंबर 11 एनसीईआरटी बुक का ये, पहले मैं इस एग्जांपल को रीड आउट कर देता हूं उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। ये एग्जांपल कह रहा है फाइंड टू कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ होल स्क्वायर इज 290। तो कहा गया है हमें क्या निकालना है, हमें निकालने हैं दो ऐसे ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स जिनके स्क्वायर का सम क्या आए, 290 आए, यानी कि टू ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स जिनके स्क्वायर्स का सम क्या आना चाहिए, 290 आना चाहिए। तो चलिए लेट कर लेते हैं, तो लेट कर लेते हैं हम इनमें से कोई सा एक पॉजिटिव इंटीजर, भाई एक लिंग
और दूसरा उसका कंसेक्यूटिव लेंगे, तो यानी कि लेट वन और पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स, तो जो सेकंड हमारा आएगा यानी कि अदर और पॉजिटिव इंटीजर कंसेक्यूटिव वो क्या आएगा एक्स प्लस टू, यानी कि उस इंटीजर में हम क्या करें प्लस टू करें तो हमें कौन सा मिलेगा ऑड मिलेगा। अब कंडीशन क्या दी गई है कि उनके स्क्वायर का सम, तो पहले हम इन दोनों का स्क्वायर करें यानी कि x का स्क्वायर और x प्लस 2 का स्क्वायर और फिर इनका सम कर दें तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 290 के, तो ये हमारी क्या बन गई कंडीशन बन गई। अब हम इसको सॉल्व आउट करते हैं तो क्या बनता है x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x इक्वल्स 290। आगे सॉल्व करते हैं तो ये क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर 4x को इधर लिख दे रहा हूं प्लस 4x प्लस 4 इक्वल्स 290। यहां से 2 कॉमन ले लिया तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल्स 290 और इस 2 से उस 290 को डिवाइड कर दिया तो क्या हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 4 × 8 × 5 × 10। आप चाहे तो नीचे ले जाके काट सकते हैं, मैंने इसको सेम साइड पे काट दिया इस तरीके से। अब इसका क्या करें x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 अब ये 145 उठकर इधर आएगा तो क्या बन जाएगा माइनस का 145 इक्वल्स 0, तो यानी कि x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 145 और 2 को अगर माइनस करें तो क्या बनेगा माइनस का 143 इक्वल्स 0, तो ये हमारी क्या बन गई इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे यूजिंग दी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो इसकी एबीसी की वैल्यू लिख देते हैं तो a इक्वल्स 1 b इक्वल्स 2 एंड c इक्वल्स -143। हम क्या करें b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालें जो कि किसके इक्वल हो जाएगी 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 143, कितना आया 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 3 का 12 2 1 कैरी 4 4 का 16 7 1 कैरी 4 1 का 4 और 1 5 और आगे क्या हो जाएगा 576, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब रूट्स हैं और हम आगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का इस्तेमाल करके उसको निकालेंगे। तो x इक्वल्स माइनस b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, वैल्यू को रख लेते हैं तो x इक्वल्स माइनस b की वैल्यू क्या है 2 प्लस माइनस रूट 576 अपॉन 2 इंटू कितना आएगा a की वैल्यू क्या है 1, तो x इक्वल्स क्या हो जाएगा माइनस 2 प्लस माइनस 576 किसका स्क्वायर होता है 24 का स्क्वायर होता है, तो इसको क्या लिख दिया 24 अपॉन 2। अब इसको हम अलग अलग कर लें तो x इक्वल्स माइनस 2 प्लस 24 अपॉन 2 हो जाएगा ये और दूसरा x इक्वल्स माइनस 2 माइनस 24 अपॉन 2 हो जाएगा, तो x इक्वल्स माइनस 2 प्लस 24 प्लस का 22 अपॉन 2, तो यानी कि क्या आ गया 11, x इक्वल्स माइनस 26 अपॉन 2 तो क्या आ गया माइनस का 30। अब हमने x को क्या लेट करा था ऑड पॉजिटिव इंटीजर, तो इसका मतलब इस x की वैल्यू को हम निगलेक्ट कर देंगे क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू है, हम किसको रखेंगे पॉजिटिव वैल्यू को, तो यानी कि पहला इंटीजर हमारे लिए क्या हो गया 11 और दूसरा इंटीजर हमारे लिए क्या होगा x प्लस 2, तो यानी कि दूसरा इंटीजर x प्लस 2 इक्वल्स 11 प्लस 2 कितना आ गया 13 आ गया, तो यानी कि पहला तो हमारा क्या हो गया इंटीजर 13, दूसरा इंटीजर हमारे लिए क्या हो गया पॉजिटिव 11, तो इस तरीके से हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का इस्तेमाल करा और सॉल्यूशन फाइंड आउट करा। अभी हम एक वर्ड प्रॉब्लम और करेंगे और उसमें भी देखेंगे कैसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करते हैं टू फाइंड आउट द सॉल्यूशंस। तो अब हम एक और एग्जांपल करने वाले हैं जो कि एग्जांपल नंबर 15 है एनसीईआरटी का अगेन चैप्टर नंबर 4, तो एग्जांपल 15 को मैं पहले रीड आउट कर देता हूं और फिर इसको आगे सॉल्व करते हैं।
तो एग्जांपल क्या कह रहा है, अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम टू द सेम स्पॉट। तो क्या कहा गया है कि हमारे पास एक मोटर बोट है, दिस मोटर बोट की स्पीड कितनी है 18 किलोमीटर पर आवर, लेकिन ये जो स्पीड है ये इसकी जो है वो है स्टिल वाटर में, यानी कि पानी का कोई फ्लो नहीं है, पानी रुका हुआ है। फिर क्या बोला गया है कि ये इतना डिस्टेंस कवर करती है 24 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है, तो जब ये अपस्ट्रीम में जाती है तो ये 1 आवर ज्यादा लेती है, किस टाइम से, जब ये डाउनस्ट्रीम में जाती है। क्या होता है अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम उसकी भी बात करेंगे। तो क्या कहा गया है कि अगर डाउनस्ट्रीम में ये बोट 24 किलोमीटर आवर कवर करने के लिए टी टाइम लेती थी यानी कि टी आवर्स लेती थी, तो ये एक घंटा ज्यादा लेगी अपस्ट्रीम में जाने के लिए सेम डिस्टेंस के लिए विद सेम स्पीड इन स्टिल वाटर। आगे क्या बोला गया, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, यानी कि हमें स्ट्रीम की क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है, वी नीड टू फाइंड आउट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो पहले तो इसका मतलब समझते हैं कि भाई अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का क्या मतलब है। तो देखिए अगर कोई बोट होगी तो ये मान लीजिए ये पानी है और पानी में ये हमारी क्या है बोट है, तो भाई अगर पानी का कोई फ्लो नहीं है यानी कि पानी में कोई डायरेक्शन नहीं है फ्लो की, तो वो स्टिल वाटर माना जाता है। तो स्टिल वाटर में जो बोट की स्पीड बताई गई है बोली गई है कि 18 किलोमीटर पर आवर स्पीड है इसकी। अब जब ये बोट गई अपस्ट्रीम में तो अपस्ट्रीम का मतलब ये होता है कि जिस डायरेक्शन में स्ट्रीम फ्लो कर रही है यानी कि रिवर फ्लो कर रही है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में आप जा रहे हैं। तो यानी कि अगर मान लो जो रिवर बह रही है वो इस डायरेक्शन में बह रही है तो बोट इस डायरेक्शन में जा रही है, तो इस बोट को हम क्या बोलते हैं अपस्ट्रीम बोलते हैं इस केस को। और दूसरा केस क्या बोला गया है कि जी डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम का मतलब ये हो गया कि अगर आपके रिवर की फ्लो इस डायरेक्शन में है तो बोट भी उसी डायरेक्शन में जा रही है। तो जब अपस्ट्रीम में जा रही है तो आपकी बोट की स्पीड कम हो जाएगी क्योंकि उसको किसकी स्पीड कैंसिल कर रही होगी जो रिवर की फ्लो होगी वो, और यहाँ पर उसकी स्पीड क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि भाई जिस डायरेक्शन में आप जाए तो उसी डायरेक्शन में रिवर फ्लो कर गए तो दोनों की डायरेक्शन दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी। तो ये होता है हमारा अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में। अपस्ट्रीम में हमेशा स्ट्रीम की जो स्पीड होती है, स्ट्रीम का मतलब रिवर जो फ्लो कर रही है उसकी जो स्पीड होती है वो बोट की स्पीड में माइनस होती है और डाउनस्ट्रीम में हमेशा वो प्लस होती है। अब हम पहले किसको लेट कर लेते हैं, स्पीड ऑफ स्ट्रीम को लेट कर लेते हैं, द रीजन भी हमें इसी को फाइंड करना है। तो हमने क्या बोला, लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी एक्स किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर क्यों दिया, क्योंकि भाई यहाँ पे स्पीड ऑफ मोटर बोट क्या देगी 18 किलोमीटर पर आवर में, यानी कि किलोमीटर पर आवर में दी गई है। अब हम क्या बोले कि भाई स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम, तो अपस्ट्रीम में हमारी बोट की क्या स्पीड हो जाएगी, भाई अभी बताया कि जो बोट की स्पीड स्टिल वाटर में थी उसमें क्या माइनस हो जाएगा, जो स्ट्रीम की स्पीड थी यानी कि इस वाले केस में। तो हम क्या कर दें कि हमारी बोट की स्पीड कितनी थी 18 और 18 में से क्या माइनस कर दें एक्स, तो ये हमारी क्या हो जाएगी बोट की स्पीड अपस्ट्रीम हो जाएगी यानी किलोमीटर पर आवर। ऐसी स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगी
भाई उसमें हमारी जो स्पीड है स्ट्रिंग की वो क्या हो जाएगी, बोट की स्पीड में प्लस हो जाएगी, इक्वल्स टू 18 प्लस x किलोमीटर पर आवर। तो इसे हम मान लेते हैं s1, इसे हम मान लेते हैं s2। मान लेते हैं कि जो टाइम यहां पर दिया गया वो दिया गया t1, ये मान लेते हैं टाइम t2, और डिस्टेंस हमारा कितना है 24 किलोमीटर। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, तो इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगी। तो हमारा जो स्पीड का फॉर्मूला होता है क्या होता है, दैट स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो पहले केस में स्पीड मेरी क्या है s1, डिस्टेंस क्या है 24, टाइम क्या है t1। दूसरे केस में स्पीड है s2, डिस्टेंस क्या है 24 और टाइम क्या है t2। यहां से हम t1 और t2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो t1 इक्वल्स क्या हो जाएगा 24 अपॉन s1, t2 यहां पर क्या हो जाएगा 24 अपॉन s2। s1 और s2 की वैल्यू रख लेते हैं, तो t1 इक्वल्स क्या हो जाएगा 24 अपॉन s1 कितना है हमारा 18 माइनस x, और यहां पर t2 क्या हो जाएगा 24 अपॉन 18 प्लस x। तो ये हमारा t1 और t2 की वैल्यू आ गई। अब हम इसको क्या करेंगे भाई, हमारा जो t1 है वो क्या है अपस्ट्रीम और t2 क्या है डाउनस्ट्रीम, और t2 हमारा इसके इक्वल होगा वो अभी हम जरा करेंगे। t2 और t1 की वैल्यू तो निकाल दिया, हम इसको बस हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, कैसे करेंगे देखते हैं। तो अपस्ट्रीम में हमारी बोट डाउनस्ट्रीम से कितना टाइम ज्यादा दे रही थी +1, तो डाउनस्ट्रीम में उसने टाइम कितना लिया t2, तो यानी कि अपस्ट्रीम का टाइम t1 इक्वल्स क्या हो जाएगा t2 +1। यानी कि अब हम यहाँ पर क्या करते हैं वैल्यूज रखेंगे, कैसे, पहले तो इसको एक जगह ले आते हैं t1 - t2 = 1। अब t1 की वैल्यू क्या है 24 अपॉन 18 माइनस एक्स माइनस 24 अपॉन 18 प्लस एक्स, ये किसकी वैल्यू है t2 = 1। एलसीएम ले लेंगे तो क्या आएगा 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स, ऊपर क्या हो जाएगा 24 × 18 + x, और इधर हो जाएगा माइनस का 24 18 - x इक्वल्स 1। नीचे क्या हो जाएगा a + b a - b अपॉन 18² - x², ऊपर क्या होगा 24 का 18 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 24 का 18 से मल्टीप्लाई क्या आएगा 24 और 18 8 4 32 2 3 यानी 8 2 16 3 19 और 24 यानी कि 2 9 4 3 1 4, तो कितना आ गया 432। तो 24 × 18 = 432 + 24 × x = 4x - 24 × 18 = -4 32 - - +++++24 x = 1। तो यहां पर देखेंगे भाई 432 से 432 हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 24 + 24 हमारा क्या हो गया 48x अपॉन 18 का स्क्वायर क्या होता है 324 माइनस x² = 1। इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई 48x = 324 - x². अब इसको इधर उठा के आते हैं, तो x² + 48x - 324 = 0। तो ये हमारी क्या बन गई इक्वेशन बन गई। अब इसका क्या करें हम, कमिंग द स्क्वायर यूजिंग द स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, किसी से भी हम इसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। अब हम इसका फाइंड करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, तो यानी कि a की वैल्यू लिख लेते हैं a = 1, b = 48 एंड c = -324। तो पहले निकाल लेते हैं b² - 4ac की वैल्यू, तो b² - 4ac = 48² - 4 × a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -324। 48 का स्क्वायर क्या हुआ निकाल लेते हैं
कोशिश करूंगा। टिल देन थैंक यू।